हेलो एंड नमस्ते। बेलाट्रिक्स सर्जरी के बाद के पहले हफ्ते में यानी कि उसके डायटरी एडवाइस के फेज वन के दौरान अगर आप कहीं बाहर गए हैं, कोई सोशल गैदरिंग्स में या फिर कोई ऐसे सिचुएशन में है कि आपको घर के अलावा कहीं बाहर खाना पड़ रहा है, तब आप एक्जैक्टली कैसा फूड चूज करेंगे? तो हमारा आज का ये वीडियो हमारे खास उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने रिसेंटली बेलाट्रिक्स सर्जरी करवाई है और जिन पे डायटरी एडवाइस का फेज वन लागू पड़ता है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के पहले हफ्ते में जब आप पूरी तरह से लिक्विड डाइट पर हैं, तब आपको एक बात का हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी लिक्विड ऑप्शंस आप ले रहे हैं वो अच्छे से छाने हुए हैं, यानी कि फिल्टर किए हुए हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के पहले हफ्ते में आप कभी बाहर जाते हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, तो आप चुन सकते हैं ऑप्शंस जैसे कि क्लियर वेजिटेबल सूप है जिसे अच्छे से फिल्टर किया हुआ है और जिसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स के पीसेस नहीं है। इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश या फिर चिकन का ब्रॉथ ले सकते हैं, पर अगेन इधर भी आपको यही ध्यान में रखना है कि इसके अंदर कोई भी चिकन या फिश के पीसेस ना हो, सिर्फ क्लियर ब्रॉथ ही ले। ये मेक श्योर करने का रीज़न यही है कि रिसेंटली सर्जरी हुई है और इंटरनल स्टिचेस अभी अच्छे से हील नहीं हुए हैं, तो आपकी जो स्टेपल लाइन है उसके ऊपर प्रेशर ना आए। इसीलिए हम हमारे हर एक पेशेंट्स को हमेशा इंसिस्ट करके बोलते हैं कि वे मेक श्योर करें कि वे जो भी लिक्विड ले रहे हैं वो अच्छे से फिल्टर किया हुआ हो। इसके अलावा आप फ्रूट जूस को भी ले सकते हैं। फ्रूट्स जो सीजनली और लोकली अवेलेबल होते हैं उसका जूस डेफिनेटली ले सकते हैं, पर आपको इसमें मेक श्योर करना है कि ये फ्रूट जूसेस के अंदर ऊपर से डाली हुई चीनी ना हो। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा खटाश वाले फ्रूट्स जैसे कि लेमन जूस है, ऑरेंज का जूस है, ग्रेप्स का जूस है, उसे आप अवॉइड करें। साथ ही वो फ्रूट्स जिनमें नेचुरल शुगर कंटेंट ज़्यादा रहती है जैसे कि शुगर कैन है, मैंगो है, गुआवा है, ऐसे सब फ्रूट के जूस को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आप वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं जैसे कि स्पिनच जूस है, कैरेट का जूस है, बीटरूट जूस है या फिर कैरेट बीटरूट का जूस है, आप ये सब वेजिटेबल जूस भी ले सकते हैं। पर इधर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई भी जूस ले रहे हैं तब आप स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आप पतली छाछ यानी कि बटर मिल्क ले सकते हैं या फिर ऑप्शंस जैसे कि ग्रीन टी, हर्बल टी या फिर कोकोनट वाटर जैसे ऑप्शंस को भी आप चूज़ कर सकते हैं। इधर हमारा एडवाइस यही रहता है कि आप जो भी लिक्विड डाइट ले रहे हैं उसे अच्छे से छान कर लें, धीरे धीरे लें, एक एक घूट करके लें, और अगर आपको कोई डिसकंफर्ट फील हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपका पेट भरा हुआ है तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाए और फिर थोड़ी देर के बाद वापस उसे लें। बेरियाट्रिक सर्जरी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी के लिए नीचे दी हुई कॉन्टेक्ट डिटेल्स से हमें संपर्क करें।